मुगलपुरा में नेमत खाना डिपार्टमेंटल स्टोर से टैक्स रिकवरी का मामला। एफबीआर ने नेमत खाना डिपार्टमेंटल स्टोर से 80 लाख की रिकवरी कर ली है। एफबीआर ने डिपार्टमेंटल स्टोर पर छापा मारकर तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया था। इसी हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे शब्बीर हैदर से। जी शब्बीर, बिल्कुल, नेमत खाना डिपार्टमेंटल स्टोर की रिकवरी का मामला है जिसमें एफबीआर ने मुगलपुरा में वर्कर नेमत खाना डिपार्टमेंटल स्टोर से 80 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। जिसमें एफबीआर की जानब से नेमत खाना डिपार्टमेंटल स्टोर पर छापा मार के ये तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया था। जराये के मुताबिक इनकी ये सेल ज्यादा थी मगर ये एफबीआर को काम जाहिर कर रहा था, इस पर एफबीआर ने ये कार्रवाई करते हुए अमल में लाई थी। जिसमें जराये के मुताबिक ये महाना एफबीआर को 15 से 20 लाख रुपया जाहिर कर रहा था, जबकि रोजाना की जो नेमत खाना डिपार्टमेंटल की स्टोर की जो सेल है वो 25 से 30 लाख रुपए, जिस पर एफबीआर ने ये कार्रवाई करते हुए तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लिया और रिकॉर्ड को कब्जे में लेने के बाद छानबीन करने के बाद उनसे ये टैक्स का तखमीना लगाते हुए ये रिकवरी अमल में लाई। एफबीआर की कार्रवाइयां जारी हैं। शुक्रिया शब्बीर हैदर, आपने अपडेट किया।